पीस जो है वो एज अ स्टोरी या फिर आप सिर्फ मानव कंटेंट करो एनिमे कंटेंट करो जो भी करो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी मतलब टॉप 5 में डाल सकते हो अभी भी अब काइंड ऑफ फाइनल सागा में मंथ जा रहा है ठीक है मतलब लास्ट अभी लगेगा 4-5 साल लगेगा लेकिन अभी 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 फाइनल सागा अभी बड़ा बड़ा इवेंट्स होना चालू है बड़ा बड़ा प्लेयर्स का ना वो लाइक चालू जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वन पीस का ना लाइक अर्थ जैसे नरूटो में 2-3 मिले जाए वही तरह वन पीस में पूरा अर्थ के बारे में पता है ठीक है आप एक क्रू फॉलो करते हो लेकिन बाकी क्रूज क्या कर रहा है या गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो सारा चीज भी आप बहुत इंपॉर्टेंट आता है और जैसे एओटी में है कि फिलोसॉफिकल आता है बहुत सारी एओटी इसमें और है कि आप एक बार शुरू शुरू में बच्चा 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 एनिमेशन लगा बच्चा बच्चा फिर एक बार घुसे जब इसमें इधर कि भाई अरे रेसिज्म तो पॉलिटिकल चीज हो रहा है बहुत सारा चीज घुसा और जो मेन करेक्टर लूफी इंस्पायर्ड है हनुमान जी से उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अभी क्या है बजरंग सो ही इज फाइनली हियर लूफी का गियर 5th हमें एनिमेशन के अंदर काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है वन पीस एपिसोड 1071 के अंदर हमें गियर 5th उसके फुल ग्लोरी में देखने को मिलेगा सो लूफी का गियर 5th फॉर्म के डेब्यू से पहले इस वीडियो में मैं आपको गियर 5th से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको मोस्ट प्रॉब्ली नहीं बताऊंगे तो अगर आपको लूफी का गियर 5th पावर अप के बारे में सब कुछ जानना है एंड वर्ल्ड्स मोस्ट रिडिकुलस पावर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके दैट बीन सेड लेट्स गेट स्टार्टेड तो अगर आप वन पीस को फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि वन पीस की यूनिवर्स के अंदर 3 टाइप के डेविल फ्रूट्स होते हैं पहला पैरामीशिया दूसरा लोगिया और तीसरा जोएन टाइप के डेविल फ्रूट्स जो लोगिया डेविल फ्रूट्स होते हैं वो एक काफी ओवरपावर्ड डेविल फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से उनके यूजर्स के पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के पावर आ जाते हैं जैसे कि कुजान के पास आइस को कंट्रोल करने के पावर हैं, अकाइनू के पास लावा कंट्रोल करने के पावर्स हैं, एस के पास फायर कंट्रोल करने के पावर्स थे और किजारू के पास लाइट कंट्रोल करने के पावर्स थे तो ऐसे ही लोगिया यूजर्स एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं लोगिया के अलावा पैरामीशिया यूजर्स अपने बॉडी को डिफरेंट सब्सटेंसेस में या तो कन्वर्ट कर सकते हैं या वो डिफरेंट सब्सटेंस यूज कर सकते हैं जैसे कि इनिशियली सबको लगता था कि लूफी के पास एक पैरामीशिया डेविल फ्रूट है यानी कि गोमोगोमो नोमी है जिसको खाने के बाद लूफी अपनी बॉडी को एक रबड़ की तरह यूज कर सकता है पैरामीशिया डेविल फ्रूट्स सबसे वाइड कैटेगरी के डेविल फ्रूट्स हैं क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आप लगभग हर एक फ्रूट क्लासिफाई कर सकते हो जो कि एक जोएन और लोगिया नहीं है सो लोगिया और पैरामीशिया के बाद जोएन डेविल फ्रूट्स आते हैं जो कि अपने यूजर को किसी एनिमल्स रिलेटेड पावर्स दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रॉ ब्लू जी और CP9 के मैक्सिमम मेंबर्स के पास जोएन डेविल फ्रूट्स के पावर्स थे इसके अलावा काइडो और उनकी आर्मीज के पास वानो आर्क के अंदर ज्यादा जोएन डेविल फ्रूट्स के पावर्स ही थे अब जोएन डेविल फ्रूट्स भी डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं जहां पे जिन यूजर्स के पास थोड़े रेयर तरीके के एनिमल्स के पावर होते हैं उन्हें मिथिकल जोएन फ्रूट्स की कैटेगरी में डाला जाता है फॉर एग्जाम्पल मार्को के पास एक फिनिक्स टाइप का मिथिकल जोएन फ्रूट है इसके अलावा फ्लीट एडमिरल सनगोकू के पास एक हितो हितो नोमी टाइप बुद्धा मिथिकल जोएन फ्रूट था सो इन सारे डेविल फ्रूट्स के पावर्स को डिफरेंट यूजर्स यूज करते हैं वन पीस वर्ल्ड के अंदर पर इन सारे डेविल फ्रूट्स के बारे में आपका जाना जरूर क्यों था इसीलिए क्योंकि जब गियर 5th का रिवील मांगा के अंदर ऑफिशियली ओडा करते हैं तब ये भी रिवील होता है कि लूफी के पास एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट नहीं था बल्कि बिगिनिंग से लूफी के पास एक मिथिकल जोएन टाइप डेविल फ्रूट था जिसका असली नाम गोमोगोमो नोमी नहीं था बल्कि हितो हितो नोमी टाइप निका था जिस डेविल फ्रूट को सैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराया था और इवेंचुअली ये डेविल फ्रूट लूफी खाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट और गोरेशो का यह मानना था कि हितो हितो नोमी टाइप निका के पास यानी गोमोगोमो नोमी के पास अपना एक विल था और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से हमेशा बचते रहता था और इवेंचुअली गोमोगोमो नोमी एके निका फ्रूट ने लूफी को चुना उसका यूजर बनने के लिए अभी तक मांगा में यह मिस्ट्री है कि आखिर साइंस ने गोमोगोमो नोमी या निका फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट से क्यों चुराया था और आखिर निका फ्रूट ने लूफी को ही क्यों चुना उसका यूजर बनने के लिए ये चीज अभी भी वन पीस मांगा के अंदर एक मिस्ट्री है पर ऐसा कहा जाता है कि निका फ्रूट के अंदर जॉय बॉय की विल एग्जिस्ट करती है और जॉय बॉय ने ही लूफी को चुना अपना अगला सक्सेसर बनने के लिए या अपने पावर्स को गिफ्ट करने के लिए वन पीस वर्ल्ड के अंदर ऐसा माना जाता है कि सन गॉड निका एके जॉय बॉय वापस आएगा बुराई को मिटाने के लिए और वर्ल्ड के अंदर एक नया डॉन लाने के लिए वन पीस वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट एक इवल एंटिटी है इसके बारे में वन पीस वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता है जिसके बारे में वन पीस वर्ल्ड के लोगों को मोस्ट प्रोबेबली वन पीस के फाइनल सागा में पता चलेगा जिसके बाद लूफी अपने सन गॉड निका के पावर्स का यूज करके वन पीस वर्ल्ड के अंदर डॉन लाएगा और लोगों को लिबरेट करेगा अभी रिसेंटली वन पीस मांगा के अंदर एगहेड सागा चल रहा है या एगहेड आर्क चल रहा है जिसके अंदर गोरोसेज वर्ल्ड गवर्नमेंट के मिस्टीरियस लीडर इमू के पावर्स के बारे में भी हमें काफी कुछ पता चला है और एगहेड आर्क काफी अच्छे तरीके से वन पीस के फाइनल साग को सेटअप कर रहा है मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ एनिमे ओनली वॉचर्स के लिए इसलिए इस पॉइंट को हम यहीं पे रैप अप करते हैं और बात करते हैं
लूफी के गियर 5 के असली पोटेंशियल के बारे में और असली पावर के बारे में। आपको ये तो पता चल गया होगा कि लूफी अपने गियर 5 के पावर अप को यूज करके काइडो को काफी जल्दी हराने वाला है और एक योंकू बनने वाला है। तो गियर 5 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लूफी के पावर्स योंकू लेवल तक पहुंच गए हैं, जो कि एक काफी बड़ा पावर अप है लूफी के लिए। जब लूफी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम द ईस्ट ब्लू, तब वॉलर्स को भी हराना एक काफी बड़ी बात लगती थी, पर अब गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लूफी वॉलर्स तो छोड़ो, काइडो जैसे बड़े योंकोस को भी काफी आसानी से हरा सकता है। लूफी खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन के समय यह कहता है कि आई कैन डू एवरीथिंग आई वांटेड टू डू, आई थिंक आई कैन फाइट अ बिट लॉन्गर, माई हार्ट बीट साउंड सो फनी, दिस इज द पिनिकल ऑफ वॉट आई कैन डू, दिस इज गियर 5। सो लूफी अपने गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन को अपना पिनिकल ऑफ पावर कहता है और ये कहता है कि ये लूफी का पीक है। अब आई पर्सनली थिंक कि गियर 5 के बियॉन्ड भी लूफी के पास पोटेंशियल है ग्रो करने का। मे बी गियर 6 आपको कभी वन पीस में देखने को ना मिले, पर लूफी के गियर 5 के अंदर भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स करने की गुंजाइश है। लूफी के गियर 5 के अंदर लूफी अपने एनर्जी को काफी जल्दी डिप्लीट करता है और लूफी गियर 5 फॉर्म को ज्यादा देर तक कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकता है। गियर 4 के अंदर भी शुरुआत में लूफी गियर 4 को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता था, वैसा ही कुछ गियर 5 के अंदर होता है जहां पर लूफी गियर 5 को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता है और लूफी की एनर्जी काफी जल्दी ड्रेन होती है गियर 5 को यूज करते समय। गियर 5 का ड्रॉबैक ये है कि लूफी कुछ देर के लिए एक ओल्ड मैन जैसे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब भी लूफी का एक नया गियर इंट्रोड्यूस होता है तो उस गियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रॉबैक लूफी फेस करता है और गियर 5 के साथ भी ये ड्रॉबैक्स और भी ज्यादा सीवियर हो गए हैं। पर हाँ, गियर 5 लूफी को रेडिकुलसली पावरफुल बना देता है और लूफी को टून फोर्स की पावर दे देता है। लूफी बेसिकली जब गियर 5 को यूज करता है तो अपने सराउंडिंग को बिल्कुल कार्टूनिश बना सकता है और लूफी जो भी इमेजिन करे वो कर सकता है। जब आप लूफी वर्सेस काइडो की फाइट को एनिमेशन देखोगे तब मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बट आपको थोड़ा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, लूफी बेसिकली इस फॉर्म के अंदर काइडो को पकड़ के गोल गोल घुमा सकता है, काइडो की बीम्स को उसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है, लूफी इस फॉर्म के अंदर थंडरबोल्ट्स को ग्रैब करके काइडो को तरफ फेंक सकता है। इसके अलावा काइडो की पूरी बॉडी को एक कार्टूनिश फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो लूफी गियर 5 डेफिनेटली मोस्ट रिडिकुलस पावर है इन द वन पीस वर्ल्ड। गियर 5 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी लूफी और काइडो के बीच में काफी इंटरेस्टिंग फाइट चलती है और एक काफी डिफिकल्ट फाइट चलती है जिसके अंदर लूफी काइडो को इवेंचुअली हरा देता है अपने बजरंग गन अटैक का यूज करके। हाँ, लूफी का अटैक बजरंगबली से इंस्पायर्ड है और इस समय लूफी का सबसे पावरफुल अटैक बजरंग गनी है और ओडा सेंसे ने खुद वन पीस मांगा के अंदर ऐसा लिखा था कि गियर 5 का इंस्पिरेशन और इनफैक्ट लूफी का इंस्पिरेशन उन्हें हिंदू मंकी गॉड हनुमान से आया है। सो इंडियन वन पीस फैंस डेफिनेटली गियर 5 से ज्यादा बजरंग गन को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। सो मैं लूफी गियर 5 और वन पीस स्टोरी के बारे में अभी और काफी कुछ बात कर सकता हूँ, पर क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं वन पीस के ऊपर और भी काफी सारे वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर मैं एनिमे और मांगा से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस काफी जल्दी पोस्ट करने वाला हूं। तो आप मेरे सेकंड चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं ऑन वन पीस एंड डिफरेंट एनिमे एंड मांगाज। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।